ठीक हो? दिमाग पे चोट नहीं लगी? ये सूरज हमें परिजात बिना आकर छोड़ेगा, तैयार हो गया सुनने का। अस्सलामुअलैकुम, इस वक्त मैं हूँ जी न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट, क्योंकि यहाँ पे मेरी फ्रेंड का टेस्ट है और उसको टेस्ट के लिए बिठा कर फिर जो है ना मैं वापस आ गई, क्योंकि मेरी जो है ना ड्यूटी भी थी मेरे अपने ब्लॉग में। आप लोगों ने अगर मेरे प्रीवियस ब्लॉग देखा हो तो आप लोग पता लग गया दैट नाउ आई एम एडवाइजरी बोर्ड मेंबर ऑफ द फिजियोलॉजिकल सोसाइटी। अब छोड़ो ब्रो, इसका टेस्ट तो चेक करो, ऐसे ही आ रही है जैसे यूके के प्राइम मिनिस्टर की बीवी होती है। आ जा। खैर ब्रो, आज बड़ी लेट आई हो, कहाँ थी आप, कितने टाइम दे रही थी? तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं कि बड़ी मुझे मशकूख सी लग रही है आज। कहाँ से आई हो इतना टाइम लगा के? मुझे लगा आज बसेस चलेंगी, कोई नहीं चलेगा, आठ दस रुपए की। फिर चले के आई हो? हाँ। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? अच्छा, मैं भी ठीक हूँ, आप कैसी हो? मुझे याद आ गया, ऐसे तो कहती है तेरी वीडियो बनाओ। मैं ये रख जाती हूँ। हाँ हाँ आओ, कैश लेनी है? हाँ। सियार से ले ले, बाय बाय। अच्छा मेरा लैपटॉप देखना एक बार, ठीक पड़ा लैपटॉप देखा ही मेरा? हाँ लेकर। इस गरीब के लिए मैंने अभी सैश मांगी है सीआर से कि मेरी दोस्त रो रही है, छोटी बच्ची है, इस पे जुल्म नहीं करो। देख ले दोस्त काम आई ना, आ जा। टेस्ट हो गया है हमारे डिपार्टमेंट का और अब ये हम लोग जो सारी चीज़ें समेट रहे हैं। ये हमारा एडमिशन टेस्ट था, टेस्ट अच्छा था। ठीक हो? दिमाग पे चोट तो नहीं लगी? सरफराज। तो अपने ना वो सोसाइटी की खजाने की चाबियां दे दे। जी आपको गाइड करती है। इनको लेकर जा रहे हैं हम लोग एडमिशन करवाने, बी एस के स्टूडेंट्स हैं। ये वेटिंग में स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं।
ये हमारे डिपार्टमेंट के चश्मा चरा गए, ये ना होते और हमारा डिपार्टमेंट कहाँ से कहाँ होता। जी आ जी हो गए हैं। ये इस वक्त मैं अपने लंच बॉक्स और अपनी वाटर बॉटल के साथ जा रही हूँ किचन की तरफ लंच करने की, क्योंकि मुझे शदीद वाली भूख लगी है और मैं किचन की तरफ जा रही हूँ। अगर तो आप लोग यार मेरे व्लॉग देखते रहेंगे तो आप लोग मेरे किचन के इतनी बार टूर करते ही रहोगे, क्योंकि मतलब हम लोग यहाँ पे लंच करने थे। जब हम लैब में बैठ बैठ के थक जाते हैं ना फुल, तो हम लोग मतलब अपने दिमाग को जो है ना थोड़ा फ्रेश करने के लिए किचन का गेड़ा लगाते, कभी पानी पीने आ जाते हैं, तो कभी खाना गर्म करने, या कभी खाना खाने, कभी खाना रखने, कभी देखने को कुछ खाने को है कि नहीं, या हम लोग बड़ी लैब में चले जाते हैं। मतलब जब जो है ना आप लोग एक काम से थक जाते हो ना, तो आप लोग पाए की गेड़ी लगा लिया अगर बंदा फ्रेश हो जाता है। इस वक्त हम लोग आ गए हैं बस स्टॉप पे, क्योंकि जो है ना मेरी साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में मेरी एक फ्रेंड का टेस्ट था और मेरी बहुत ही बेस्ट फ्रेंड है वो, मुझे उसके पास भी जाना था। तो मैंने तो जैसे ही मुझे टाइम मिला मैंने कहा नहीं यार उसके पास भी जाना है इंशाल्लाह। मैंने उसे कहा था कि यार मैं ओल्ड नहीं आ सकती क्योंकि ना मेरी ड्यूटी लगी है, बट जब मैं ड्यूटी से फारिग हो गई, यहाँ पे हमारे डिपार्टमेंट टेस्ट सब हो गया, सब कुछ समेट समूट लिया, फिर मैं वहाँ गई थी। और ये यहाँ से बस स्टॉप से बॉयज़ को बिठा रहे हैं अब इस वक्त, और हम लोग जा रहे हैं जी ओल्ड कैंपस की तरफ। ओल्ड कैंपस में भी मेरी बहुत सी फ्रेंड्स का टेस्ट था, आई होप से कि वो सब लोग टेस्ट क्लियर कर जाएं, उनका मेरिट लिस्ट में नेम आ जाए। ये सूरज हमें फरीदाबाद से नासिर छोड़ेगा, फैन हो गया। अब हाथ होगा कलर से मैच नहीं होता, बट पैर नहीं मुंह के साथ मैच हो गया ओरिजिनल। और इस वक्त हम लोग GCF ओल्ड कैंपस में पहुंच चुके हैं। अच्छा, यहाँ पे जो ना साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में मेरी बेस्ट फ्रेंड का टेस्ट था, मुझे पता तो था कि वो साइकोलॉजी डिपार्टमेंट जाकिर ब्लॉक में है, बट लिटरली ऑन द स्पॉट मेरे माइंड से बिल्कुल ही निकल गया और मैं यूसुफ ब्लॉक एंटर हो गई। मेरे माइंड में यही चल रहा था यूसुफ ब्लॉक में मैं देखूँ यार यही यहाँ पे तो IT है ऊपर, क्योंकि मेरी फ्रेंड्स हैं काफ़ी IT में। मैंने कहा नहीं यार यहाँ पे तो IT है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है और ये तो लाभ ब्लॉक है। मतलब फिर साइकोलॉजी डिपार्टमेंट किधर हुआ, फाइनली वहाँ से पता वगैरह किया हम लोगों ने, एंड देन उन लोगों ने हमें समझा कि लाइक हम लोग कोई जूनियर एंड हम लोग आपको साकिब ब्लॉक छोड़ा था। मैंने कहा नहीं हमें पता है कहाँ है ये। यहाँ पे हम लोग आए हैं सिर्फ जो है ना मेरी फ्रेंड की खातिर, यार लिटरली शी इज़ वेरी वेरी डियर टू मी, दैट्स वाई जो है ना मुझे यहाँ पे आना पड़ा, वो भी इतनी गर्मी में। लिटरली मेरा बिल्कुल दिल नहीं था आज ओल्ड कैंपस आने का, और बस यहाँ से उसकी लिस्ट देखी और हम लोग यहाँ से वापस निकल लिए। डॉक्टर कैप लगा दिया। और बस ओल्ड में जो है ना मैं सिर्फ अपनी फ्रेंड के लिए आई थी, क्योंकि उसका टेस्ट था और उसका टेस्ट वगैरह उसकी लिस्ट वगैरह देखकर हम लोगों ने कैफ़े में थोड़ी देर सांस वगैरह लिया, खा पी के हम लोग जो है ना वापस अपने कैंपस की तरफ आए। मैंने अपनी फ्रेंड को वहीं से सी ऑफ कर दिया। और वो स्टूडेंट्स जो इस साल GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में एडमिशन्स ले रहे हैं और उनका डिपार्टमेंट अगर न्यू कैंपस में और उनका घर ओल्ड कैंपस के करीब है, तो उनको ये क्यूरियोसिटी होगी कि यार हम लोग मतलब इतनी दूर कैसे ट्रैवल करें। तो मैं आप लोगों को बताती चलूं कि जो यूनिवर्सिटी की बसेस हैं ये आप लोगों को फ्री ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। अगर आप लोग ओल्ड कैंपस के पास से आते हैं तो आप लोगों को न्यू कैंपस की तरफ फ्री लेकर आती हैं, और ये बसेस 7:30 से 8 बजे के दरमियान चलना स्टार्ट हो जाती हैं। इसके अलावा अगर आप लोग न्यू कैंपस के पास से आते हैं या न्यू कैंपस के हॉस्टल में रहते हैं, आपका डिपार्टमेंट GCF ओल्ड कैंपस में है, तो भी आप लोगों के बसेस बिल्कुल फ्री लेकर जाएंगे। इसके अलावा ये बसेस गर्ल्स एंड बॉयज़ की सेपरेट बसेस हैं। आजकल सिर्फ यूनिवर्सिटी में MPhil और PhD के मोस्टली स्टूडेंट्स आ रहे हैं, इस वजह से कुछ दिनों के लिए बसेस कंबाइन हुई हुई हैं और इन सिर्फ 3 बसेस ही चल रही हैं। बट इंशाल्लाह 4 सितंबर से या कुछ दिनों से जब क्लासेस रेगुलर हो जाएंगी तब बसेस जो है ना टोटली सेपरेट हो जाएंगी और फिर बहुत ज़्यादा बसेस चलेंगी, और मतलब एक बस के पीछे ही दूसरी बस आती है, दर बस आती है GCF की। आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, ये टोटली फ्री हैं। Seeing eyes of mine.
where we're gonna fly like you did sometimes, seeing eyes of mine.